हेलो एवरीवन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इज लर्निंग आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक पोम की अ डाउटिंग हार्ट बाय एडलेट एंड प्रॉक्टर सो लेट्स प्रोसीड सो इस पोम डाउटिंग हार्ट के अंदर हमारे पास दो वॉइस हैं एक हमारे पास एपेजमिस्टिक वॉइस और दूसरी जो है हमारे पास ऑप्टिमिस्टिक वॉइस है तो चलिए देखते हैं वेयर आर द दलो स्लेड यहाँ पर स्वेलूस जो है वो हमारे पास परिंदा है, अब है, है वो कहते हैं कि वो जो परिंदा अबाबीन है वो कहते हैं कहाँ उड़ गए हैं और जम गए हैं शायद अपॉन सम एंड स्टॉमी शोर कहते है शायद वो जो तरीक वो जो डार्क हमारे पास तूफानी जो बीच है कहते है वहां पर होंगे मतलब वहां पर मर गए या जम गए जम गए और मर गए और वहां पर है वो ठीक है ये हमारे पास था पेसिमिस्टिक व्यू अब देखते हैं ऑप्टिमिस्टिक व्यू वो कह रहे हैं कि ओ डाउटिंग हार्ट ओ शक करने वाले दिल फॉर ओवर द पर्पल सीज वो कहते हैं वो समंदर के जो पर्पल समंदर है ना उसके पार चले गए होंगे द वेट इन समर ईज कहते हैं वो इंतजार कर रहे हैं समर ईज में इंतजार कर रहे हैं करें किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं द दबामी साउदर्न ब्रीज के वो जो साउदर्न ब्रीज है ना वो दोबारा चले टू ब्रिंग टेम थ्रू देर नॉर्दर्न होम्स वंस मोर ताकि वो जो अपने घर हैं जो उनके नॉर्दर्न घर हैं वो वहाँ पर दोबारा आ सकें यहाँ पर आप देखें तो वो आ, जो हमारे पास पेजमिस्टिक व्यू है जो उसकी वॉइस है वो उसको निगलेक्ट नहीं कर रहा कि ऑब्वियसली जब विंटर्स आते हैं तो वो आ, जो परिंदे हैं वो मरते हैं जो वेजिटेशन है वो ऑब्वियसली जो है वो इफेक्ट करती है ठीक है लेकिन आ, ये जो हमारे पास ऑप्टिमिस्टिक वॉइस है वो इस चीज को एक्सेप्ट कर रही है वो जो चेंज है ना वो उसको एक्सेप्ट कर रही है ठीक है जी नाउ वाई मस्ट द फ्लावर्स डाई जो हमारे पास फूल है उनको क्यों मर जाना चाहिए प्रेजेंट दाई इन द कोल्ड टोम कहते हैं यहाँ पर कोल्ड टोम का यहाँ मतलब क्या है कि बर्ड इन स्नो कहते हैं कि वो जो कोल्ड टोम है ना उसके नीचे जो वो प्रेजेंट हो गएलेस हीस का मतलब होता है अनकंसर्न ऑफ टीयर्स और रेन यहां इन लाइंस का मतलब यह है कि वो जो कोल्ड टोम है जो बर्फ है उसके नीचे जब है वो दब गए हैं मर गए हैं और अब अब जितनी मर्जी आप पांच सुबह आए बारिश आ जाए कहते हैं अब वो नहीं उठेंगे अब वो नहीं जागेंगे इसका मतलब यह है कि वो मर चुके हैं अब उनमें जान नहीं रहे अब जो मर्जी कर लें अब वो वो वही वैसे के वैसे ही रहेंगे क्योंकि वो मर चुके हैं ठीक है अब हमारे पास ऑप्टोमिस्टिक वॉइस आई है ओ डाउटिंग हार्ट ओ शक करने वाले दिल दे ओनली स्लीप बिलो वो बस नीचे सो रहे हैं द सॉफ्ट वाइट एमन स्नो एमिन का मतलब होता है वो जो व्हाइट एंड ग्रे स्नो होती है ना वो जो वो जो कलर है उसको स्पेसिफाई कर रहा है कहते हैं वो जो सॉफ्ट सी एमिन स्नो है ना उसके नीचे है वो वाइल्ड विंटर विंड्स शेल ब्लो जब हमारे पास समंदर जो सर्दी की सर्द हवाएं जो है वो चली जाएंगी ना टू ब्रेथ एंडल अपन यू सून अगेन तो वो दोबारा तुम्हें देखकर जो है ना वो मुस्कुराएंगे ठीक है अभी भी ये देखें वो उस चीज को निगलेक्ट नहीं कर रहा ऑब्वियसली विंटर जाएंगे तो फ्लावर्स जो है वो खत्म होते हैं जो मुरझा जाते हैं ठीक है लेकिन वो कह रहे हैं कि कोई बात नहीं है अब जब दोबारा समर जाएंगे नए फूल खिलेंगे दोबारा से जो है ना वो खुशियाँ आएंगी ठीक है नौ द सन हैज़ हिड इट्स rays. अब हमारे पास फिर मिस्टिक वॉइस है वो कहती है वो कह रहे हैं कि द स सन हैज़ हिड इट्स रेज कि जो सन ने जो है ना अपनी जो छुआमायाँ वो छुपा ली हैं वो रोक ली हैं दीज मैनी डेज इतने से इतने ज़्यादा दिन विल ड्रेरी ड्रेरी का मतलब यहाँ पर ये यह हमारे पास है कलर लेस या लाइफ लेस या सैड डेज नैवर लीव द अर्थ कहते हैं कि क्या ये जो उदास दिन है क्या ये दुनिया से कभी नहीं जाएंगे ठीक है अब हमारे पास ऑप्टमिस्टिक व्यू आता है डाउटिंग हार्ट ओ शक करने वाले दिल द स्टोमिक क्लाउड्स ऑन हाई ये जो जो स्टोमिक जो बादल है ना ये ऊपर हवा ऊपर हाई है वेल द सेम सनी स्काई कि उन्होंने जो सनी स्काय जो है ना वेल का मतलब छुपा देना हाइड कर देना तो उन्होंने उसको छुपा दिया इन इन लाइन्स का यहाँ पर ये मतलब है कि अभी जो है ना जो जो हमारे पास स्काई है ना वो हमेशा से सनी ही था ये सिर्फ थोड़ा सा जो स्ट्रॉमी क्लाउड्स हैं उन्होंने सन को छुपा दिया है कोई नहीं अभी जो स्ट्रॉमिक क्लाउड्स हैं वो अभी अभी बारिश आएगी तो ये सब जो है ना वो ख़त्म हो जाएगा और दोबारा से जो है ना वो सूरज जो है वो सनी स्काई जो है दोबारा से नजर आएगा एक्चुअली मैं वो इन लाइन्स में ये कहना चाह रहा है डेट सून फॉर द स्प्रिंग इज आई कहते हैं कि जल्द जो है ना वो स्प्रिंग का जो मौसम है जब वो दोबारा आएगा शेल रेक द समर इन द गोल्डन मर्थ कहते हैं दोबारा जो है वो क्या होगा कि ये कहते हैं कि जो स्प्रिंग का मौसम है वो जल्द आने वाला है और दोबारा से जो समर जो जो समर की खुशियां है उसको दोबारा जगा देगा और इन टू द गोल्डन मर्थ गोल्डन का मतलब यहाँ पर वो सन को डेंट वो कर रहा है कि यहाँ पर जो सन का जो कलर है वो जो गोल्डन कलर है उसको बता रहा है मर्थ का मतलब होता है खुशी की कैफियत तो कहते हैं कि कोई नहीं अभी जो है वो स्प्रिंग आ जाएगा और दोबारा से वो जो समर की जो खुशी की जो कैफियत है ना वो दोबारा जगा देगा ठीक है अब यहाँ पर देखिए हम पहले वो जो नेचर को डाउट कर रहा था हमारे पास जो पैसे मिस्टेक भी था वो नेचर को डाउट कर रहा था नेचर के जस्टिस को डाउट करता अब वो अपनी नेचर के बारे में बता रहा है कि फेयर होप इज़ डेड कहता है कि सारी उम्मीदें जो है ना वो ख़त्म हो गई मर गई हैं एंड लाइट इज क्वेंच इन नाइट और वो जो जो रोशनी है ना वो रात के अंदर वो सारी ख़त्म हो गई है रोशनियाँ ख़त्म हो गई रोशनियाँ बुझ गई हैं क्वेंच का मतलब होता है बुझ जाना वो कहते हैं रोशनियाँ बुझ गई हैं उम्मीदें ख़त्म हो गई हैं उम्मीदें जब हम मेरी मर गई हैं वर्ट शुड कैन ब्रेक द साइलेंस ऑफ डिस्पेयर कहते हैं कि क्या अब ये इस जो मायूसी है जो खामोशी जो है इसको कौन तोड़ेगा ये अब उसने अपनी अंदर की कैफियत को बयान किया है अब हमारे पास ऑप्टिमिस्टिक वॉइस कहती है ओ डाउटिंग हार्ट ओ शक करने वाले दिन द स्काईज़ ओवरकास्ट कि हमारे पास जो आसमान पर सिर्फ बादल हैं येट स्टार शेल राइज एट लास्ट कहते हैं दोबारा से जो है ना ये आ, स्टार्स हैं वो दोबारा राइज करेंगे दोबारा जो है ना वो छा जाएंगे ब्राइटर फॉर द डार्केस्ट पास्ट ठीक है और वो कहता है कि जो ये जो रोशनी है जो है हमारे पास के कि जो तरीक जो माजी की जो रोशनी है वो कहते हैं दोबारा जो तरीक माजी है वो दोबारा से रोशन होगा एंड एंजल सिल्वर वॉइस स्ट्रेट द एयर और हमें हमेशा जैसे पहले होता रहा है दोबारा क्या करेंगे कि जो फरिश्तों की जो आवाज़ें हैं वो दोबारा हवा के अंदर जो है वो गूंजेंगी और दोबारा से हलचल जो है ना मचा देंगी ठीक है ये पोइम जो है वो एक्चुअली में हमें बता रही है कि हाउ टू डील विद द डिस्पेयर फीलिंग ऑफ डिस्पेयर और जो हमारे पास दो वॉइसिस हैं हमारे पास किस तरह से जो ऑप्टोमिस्टिक वॉइस है और पैसामिस्टिक व्यू को किस तरह से ओवरकम कर रही है ये पोइम ने हमें ये लेसन दिया है So this was all about. Thank you so much.